नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 6। तो आपने चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें आपके 5 चैप्टर्स कम्प्लीट हो चुके हैं और मैंने बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके और आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 6 का आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। क्या इसका नाम है? तो लिखा हुआ है महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा, यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, भाज्य अभाज्य संख्याओं का अर्थ जानेंगे हम लोग, यहाँ पे अपवर्तक जानेंगे क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं और समापवर्त क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। तो महत्तम समापवर्तक को हम क्या बोलते हैं? SCM बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को हम LCM बोलते हैं। ओके, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, जो डिविजिबल नंबर्स होते हैं, जो नॉन डिविजिबल नंबर्स होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे ही अपवर्तक हो गया, अपवर्त हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में ले रहे होंगे। ओके, तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है अपवर्तक के रूप में। तो अपवर्तक क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अपवर्तक इसे बोलते हैं हम डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है? जो भाग देने वाला होता है, जैसे इस तरीके से हम बचपन से देते चले आए हैं भाग, यहाँ पर हम जो रखते हैं, यहाँ हम रखते हैं भाजक। क्या रखते हैं? भाजक, भाजक, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं? यहाँ भाज्य होता है हमारा, भाज्य। यहाँ पर क्या होता है? भागफल होता है, भागफल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बचता है शेष में, तो इसे बोलते हैं शेषफल, शेष फल, ठीक है। आ गया समझ में? क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। तो यहां पर अब इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सीख लीजिए। तो ये जो है ना, ये जो आपका भाजक लिख रहा है, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, जो कि किसी संख्या में भाग लगाता है। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और हम डिवाइजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे हम क्वेशेंट पढ़ते हैं, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं और यहां पर इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हम डिवाइजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो किसी संख्या में भाग लगाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी डिवाइजर। इसे हम हिंदी में अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं। ओके, एक एक पॉइंट नोट करते हुए जाना, क्योंकि तभी आपको अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे आप। चलिए देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक का अर्थ है किसी व्यंजक को पूरा पूरा क्या कर देना, विभाजित कर देना, यानी कंप्लीटली नंबर को डिवाइड कर देना, ये होता है क्या, अपवर्तक। जैसे कि एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया हुआ है, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया और मैं प्रत्येक 16 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगे ये। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने 16 ले ली, 16 संख्या ले ली, तो इसे कौन कौन डिवाइड कर सकता है? पहले से 2 डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसे कौन डिवाइड कर देगा? 2, यानी कितने टाइम्स में? तो 8 टाइम्स में डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए यही नंबर जो है 16, इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर हम किसे डिवाइड कर सकते हैं? तो इसी नंबर को हम कर सकते हैं किससे? 8 से डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं 16, तो 16 कितने टाइम? 2 टाइम्स चला जाएगा। 16 को हम 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 16 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो इसमें भाग लगा रहे हैं? तो पहला नंबर देख सकते हो आप 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है आपका और चौथा आपका 16 है। तो ये क्या है? ये सभी इसके फिर फैक्टर्स बोले जाएंगे। ये जो 16 है ना, 16 के पूरे फैक्टर्स बोले जाएंगे, यानी 16 के फैक्टर बोले जाएंगे। तो अतः 2 4 8 प्रत्येक 16 का गुणनखंड है, फैक्टर है, अपवर्तक है। ये क्या है? सभी क्या है? एक दूसरे के अपवर्तक हैं। तो ये जो संख्या भाग लगाती हैं वो ये अपवर्तक कहलाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसी प्रकार से जैसे 5x आपका क्यूब है, 5x
क्यूब है आपका। तो को इसको कौन कौन, जैसे पांच इसको पूरा डिवाइड कर देगा, बीस में कुछ नहीं रहेगा, यानी जो इसके डिवाइड में है वो कुछ नहीं रहेगा, कितना चला जाएगा, पांच से काट दोगे तो एक्स क्यू निकल जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब को आप एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, कि एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, फाइव एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इस तरीके डिवाइड कर सकते हैं। और इसी फाइव एक्स क्यूब को, फाइव एक्स क्यूब को आप क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, यानी फाइव एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर ये फाइव एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइव एक्स क्यू बट्टे में यहाँ पे एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, यानी फाइव रह जाएगा। यहाँ पे जो एक्स फोर है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इनसे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे एक्स क्यू कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो कम्प्लीटली फाइव एक्स क्यूब है ये भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, क्योंकि फाइव एक्स क्यू ऊपर आ गया, नीचे भी फाइव एक्स क्यू है, तो इससे पूरा कट जाएगा ना, तो बराबर में वन बचेगा। तो इस तरीके से ये जो हैं सभी ये डिवाइड कर देंगे, तो सभी डिवाइड कर देंगे तो देख सकते हो आप कौन कौन से डिवाइड कर रहे हैं, पाँच एक्स एक्स स्क्वायर, इसे एक्स स्क्वायर बना लीजिए, इसे एक्स क्यू बना लीजिए, और यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब, ये सभी पूर्णतः इसको विभाजित कर देंगे। अतः फाइव एक्स क्यूब के ये क्या हैं, सभी अपवर्तक हैं, क्या हैं, अपवर्तक हैं, ओके। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं, चलिए देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन, वह संख्या या व्यंजक, या कोई संख्या हो या व्यंजक हो जो किसी दी गई संख्या अथवा व्यंजक को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, दी हुई संख्या अथवा व्यंजक का अपवर्तक होता है, यानी डिवाइजर होता है। जो कोई भी नंबर है जो किसी संख्या में डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो वो क्या है, उसका अपवर्तक है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे हम सीखेंगे, एकदम बहुत ही बेसिक आपको एग्जाम्पल दिया गया है और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए एक प्रशिक्षु को 12 फूल दीजिए, एक जो प्रशिक्षु है उसको आप क्या करना है, 12 फूल आपको देना है। इन्हें टोकरियों में इस प्रकार व्यवस्थित करने को कहिए कि टोकरी में फूलों की संख्या समान रहे। प्रशिक्षु फूलों को निम्नलिखित विधियों से क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, यानी उससे ये कहना है कि हमेशा जो टोकरी है उसमें बराबर फूल रहने चाहिए, जितने भी टोकरी इसमें आप डाल रहे हो। अब जैसे देख लीजिए, पहला इसने क्या करा, पहली क्या पॉसिबिलिटी है कि एक ये टोकरी है, ठीक है, एक ये टोकरी हो गई, ठीक है, इसी तरीके से आपकी दूसरी टोकरी हो गई, इस तरीके से टोकरियाँ आपकी रखी हुई हैं, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, ठीक है, पाँचवीं हो गई, ठीक है, यहाँ पर छठी हो गई, ठीक है, सात हो गई टोकरी, आठ हो गई, ठीक है, नौ हो गई, दस, दस के बाद ग्यारह, और ग्यारह के बाद बारह, कितनी 12, ये आपकी टोकरी हो गई, ठीक है। अब इसने कहा है कि प्रत्येक टोकरी में एक एक फूल डालो, क्या क्या डालो, एक एक फूल, तो एक एक फूल लिख दो सभी में, एक एक फूल सभी में डाल दे रहे हैं, एक एक फूल हम सभी में डाल दे रहे हैं, तो बताइए कितने फूल पड़ गए इसमें, तो 12 टोकरियां हैं तो 12 ही फूल पड़ेंगे, आप गिन सकते हो इनको, 12 होंगे, तो ठीक है। तो फूलों की संख्या कितनी है, एक डाला फूल आपने, ठीक है, और एक हर एक टोकरी में डाला, टोकरियां कितनी है, 12, तो कितने फूल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पहला ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई, यानी इस तरीके से हो सकता है। दूसरा क्या है, तो दूसरे में क्या करेगा, हर एक टोकरी में दो दो फूल डालेगा, जैसे टोकरियां बना दो, एक टोकरी, दो, तीन, ठीक है, चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, कितनी, छह टोकरियां बनेंगी, क्योंकि 12 है, 12 में दो दो डालोगे तो कितने बार कटेगा, 6 बार जाएगा, तो 6 बार, तो यानी दो दो फूल अब सब में डाल दिए जाएंगे, कितने, दो दो फूल, तो दो दो डाल दो, दो 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 दो, गिन लो, दो दूनी चार, दो और चार, और चार और दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस, दस दो 12, तो 12 फूल पड़ गए कि नहीं पड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूलों की जो संख्या मिलेगी, यानी दो फूल डाले हैं और 6 टोकरियां हैं, तो बराबर में टोटल फूल कितने पड़ जाएंगे, 12 फूल पड़ जाएंगे। लिखने का तरीका सीखते जाइएगा, इस तरीके से लिखना है। आगे देखते हैं, तो आगे आपका तीन नंबर पर लिखा हुआ है कि हमको तीन तीन फूल डालने हैं। जब तीन तीन फूल डालोगे, 12 फूल हैं, सॉरी 12 टोकरियां हैं, सॉरी 12 फूल हैं आपके, और इसमें तीन तीन डालोगे, तो तीन तीन डालोगे मतलब एक टोकरी में चार फूल आएंगे, तो कितनी टोकरियां होनी चाहिए, एक दो और तीन, तीन टोकरियां होनी चाहिए, क्योंकि चार चार आठ चातिया 12, तो तीन टोकरियां होनी चाहिए, तीन टोकरियां होनी चाहिए और आपको चार चार फूल डालने हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 फूल हो जाएगा, तो फूलों की संख्या 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आप चार चार फूल डाल सकते हो,
सॉरी सॉरी, अभी हमने ये क्या करा, गलती हो गई, मतलब यानी चार आपके, चार तीन तीन फूल डाले थे आपने, तो चार टोकरियां बनेंगी, एक और टोकरी बनाओ इसमें और इसमें तीन तीन डालो, ठीक है, तीन तीन डालो इसमें, ठीक है, तीन तीन, ठीक है, तो तीन ये आपके फूल हैं, चार टोकरियां आपकी, ओके। चलिए अब देखते हैं चौथा, चौथे में क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी आपकी, तो यहाँ पर आपको चार फूल हैं आपका टोकरी में, हर एक में चार चार फूल डाले आपने, तो चार चार फूल डालें तो कितनी टोकरियाँ होंगी, तीन टोकरियाँ होंगी, अब इसलिए आप 12 फूल डाल रहे हो, चार चार दुनिया आठ, चार तिया 12, 12 फूल डाल रहे हो तो तीन टोकरियाँ बनेंगी, तो चार फूल पड़ेंगे एक टोकरी में, तीन टोकरियाँ हैं तो 12 फूल पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा जब आप पांचवी पॉसिबिलिटी पे जाओगे तो प्रत्येक टोकरी में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फूल रखने पर प्रत्येक टोकरी में फूलों की संख्या कैसी आएगी, समान नहीं आएगी। समान क्यों नहीं आएगी, जैसे देखो एक टोकरी ये हो गई, दूसरी टोकरी ये हो गई, तीसरी टोकरी मैंने ये मान ली, पांच पांच आपने फूल डाले, पांच पहला डाल दिया इसमें, फिर पांच डाल दिया, कितना पड़ गया 10, और 10 के बाद बचा कितना 2, तो 2 इसमें पड़ेगा, अब जो इसमें पढ़ना चाहिए था इसके हिसाब से 5, पर पढ़ा 2, तो इसने मतलब कम्प्लीटली नहीं पढ़ रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सभी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो होगी वो चेंज होती जाएगी। देखो 6 इसमें डाल दिया, ठीक है, हाँ 6 इसमें डाल दिया, फिर हमने यहाँ पे 6 डाल दिया, 6 फूल डाल दिया, ठीक है, तो 6 6 कितना पड़ गया, 2 फूल पड़ गए, सॉरी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 6 से तो 2 टोकरियाँ बन जाएंगी इसकी, तो इसने गलत कर दिया, यहाँ पे 6 निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, 6 निकाल लीजिए, 6 इसमें आएगा, यानी 6 6 से तो 2 टोकरियाँ भर जाएंगी, तो 6 वाला तो बनेगा तुम्हारा, ठीक है, तो 6 यहाँ से हटा दीजिए, फिर 7 नहीं पड़ेगा, 8 नहीं पड़ेगा, 9 नहीं पड़ेगा, 10 नहीं पड़ेगा, 11 नहीं पड़ेगा, वो डालोगे तो आपका बनेगा ही नहीं सही सही। देखो अभी देखते हैं, जैसे आपने 7 डाला, 7 और 7 14 होता है, परंतु हमें 5 ही बचा, तो ये समान नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपके इनमें से एक भी नहीं पड़ेगा, 6 पड़ेगा बस, ठीक है, 6 पड़ेगा। आगे देखिएगा लिखा हुआ क्या, प्रत्येक टोकरी में 6 फूल डालो, तो 6 फूल डालो, टोकरियों की संख्या कितनी बचेगी, 2, तो फूलों की संख्या कितनी, 6 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 12 फूल डाल सकते हो, तो एक टोकरी बनेगी, टोकरी एक बनेगी, फूल आपके आपने 12 एक ही टोकरी में डाल दिए, तो क्या देख रहे हैं हम, इन संख्याओं से प्रशिक्षु देखता है कि 12 को 2 संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किस तरीके से, तो इस तरीके से वो व्यक्त कर सकता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा इसे छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप एक फूल लो, 12 टोकरियाँ लो, ठीक है, तो आपके 12 फूल भी पड़ जाएंगे, आप 2 फूल लो, 6 टोकरियों में डालो, 2 2 फूल करके, तो 12 फूल आपके पड़ जाएंगे, आप 3 फूल लो, 4 टोकरियों में डालो, तो आपके 12 फूल पड़ जाएंगे, ऐसे 4 फूल लो, 3 टोकरियाँ, तो 12 फूल पड़ जाएंगे आपके, 6 आप फूल लो, 2 टोकरियों में डाल दो, 12 फूल पड़ जाएंगे, 12 फूल एक टोकरी में डाल दो, तो 12 फूल आपके पड़ जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी रहेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12 संख्या 12 के गुणनखंड या विभाजक हैं, इन्हें 12 के अपवर्तक भी बोलेंगे, तो 12 के हम अपवर्तक पूछें तो इसमें कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 करेगा नहीं, 6 कर सकता है, 12 कर सकता है, तो यही आप इसके क्या होंगे, यही इसके अपवर्तक होंगे, ओके। तो आशा करते हैं आपको अपवर्तक समझ में आ गया होगा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समापवर्तक के बारे में बात करेंगे, ओके, तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।